हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। शहर के मानकापुर संभागीय खेल परिसर में रविवार सुबह आसमान पर एरो मॉडलिंग का रोमांच महसूस किया गया। 10,000 स्कूली बच्चों के उत्साह और विभिन्न गतिविधियों से यह रविवार यादगार बन गया। एरो मॉडलिंग क्षेत्र में करियर बनाने के लिए राज्य के खेल और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार की पहल पर एरो मॉडलिंग शो का आयोजन किया गया, ताकि हर कोई हवाई जहाज की तरह उड़ सके और देश की सैन्य सेवा और राष्ट्रीय छात्र सेना में भर्ती हो सके। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एरो मॉडलिंग शो का उद्घाटन क्रीड़ा मंत्री केदार ने किया। मंच पर जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, विधायक विकास ठाकरे, विधायक अभिजीत वंजारी, राजेंद्र मूलक, पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी, संभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा, जिलाधिकारी आर विमला, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, नेशनल कैडेट कोर के मेजर जनरल वाईपी खंडूरी, ब्रिगेडियर एस लाहेरी, नौसेना के कैप्टन सतपाल सिंह, वायुसेना के कैप्टन प्रवीण शर्मा, उपनिदेशक खेल एवं युवा सेवा शेखर पाटिल, जिला खेल अधिकारी अविनाश पुन सहित भारतीय उड्डयन विभाग और एनसीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। संभागीय खेल परिसर में बड़ी संख्या में देश विदेश से छात्र छात्राओं ने इस एयरो मॉडलिंग शो में उत्साहपूर्वक भाग लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट के कन्वेंशन सेंटर और कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय ने नागपुर व निकटवर्ती क्षेत्रों के गरीब छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर लोगों को एक अनूठा उपहार दिया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले पूर्वी नागपुर में स्थल पर हुए अतिक्रमण, डंपिंग ग्राउंड और सड़क की समस्या का समाधान तत्कालीन महापौर, मनपा आयुक्त और विधायक ने किया था। सिम्बायोसिस कैंपस में जल्द ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी की इमारत की स्थापना भी की जाएगी। नागपुर क्षेत्र के विकास का आगाज तेजी से हो रहा है, इस आशय के विचार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किए। लगभग 950 लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर में कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ साथ मीटिंग रूम भी उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित सामान उच्चतम गुणवत्ता के होने चाहिए और इसे ग्राहकों के समक्ष अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उद्योग व्यवसाय में सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता और सद्भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि इन गुणों से किसी प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाए तो समय के साथ साथ उसका एक ब्रांड स्थापित हो जाता है। आज पूरी दुनिया ही एक बाजार की तरह बन गई है और इसलिए बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। महिला उद्यमियों को एमएसएमई मंत्रालय और गायत्री उद्योग सहकारी संघ का भरपूर सहयोग मिलेगा। इस आशय के विचार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महिला उद्यमी बैठक के अवसर पर व्यक्त किए। वे सिविल लाइन्स के दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस बैठक को संबोधित कर रहे थे। यह बैठक 25 से 28 मार्च तक हो रही है। इस कार्यक्रम में एमएसएमई विकास संस्थान के निदेशक पीएम पार्लेवार मुख्य रूप से उपस्थित थे। कांग्रेस के नगर सेवक नीतीश ग्वालवंशी ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर भाजपा में प्रवेश किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निवास स्थान पर आयोजित एक कार्यक्रम में विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की विशेष उपस्थिति में नीतीश ग्वालवंशी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा का दुपट्टा पहनाकर व पुष्पगुच्छ देकर पार्टी में प्रवेश कराया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुधाकर देशमुख, भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, महापौर दयाशंकर तिवारी, पूर्व महापौर संदीप जोशी, पश्चिम मंडल के अध्यक्ष विनोद कानेरे आदि मान्यवर उपस्थित थे। हड़स हाई स्कूल के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को संस्कार देकर उन्हें आशीर्वाद दिए हैं। आज भी जब हम स्कूल के सामने से गुजरते हैं तो इन शिक्षकों को देखते ही हमारा सीना उनके सम्मान में झुक जाता है। पीआर जोशी हमारे लिए ऐसे व्यक्ति थे जिनके याद में यहाँ पीआर जोशी भवन का निर्माण किया गया है। यह भवन केवल भवन रहने की बजाय ज्ञान का मंदिर बन जाना चाहिए। इस आशय के विचार प्रसिद्ध ईएनटी विशेषज्ञ और फाउंडेशन ऑफ हेड एंड नेक एंकोलॉजी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मदन कापरे ने व्यक्त किए। शहर के जाने माने हड़स हाई स्कूल के 2 दशक से अधिक समय तक प्रिंसिपल रहे पीआर जोशी की याद में भवन का निर्माण किया गया है। कार्यक्रम के दौरान इस भवन का उद्घाटन तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालय तारंगण का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर कापरे भाषण दे रहे थे। नागपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, लिबरल एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर वीवी सापरे, सचिव डॉक्टर एपी जोशी कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित थे। स्कूल के पूर्व छात्र डॉक्टर कापरे ने आगे कहा कि स्कूल की एक गौरवशाली परंपरा रही है। छात्रों की इस परंपरा को बरकरार रखना बहुत जरूरी है।
अहिंसा वाटिका आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ऑक्सीजन जोन मालधक्का इतवारी में रविवार सुबह 9:30 बजे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक गिरीश व्यास के जन्मदिन के अवसर पर उनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया तथा उनके विकास निधि के अंतर्गत वॉकिंग ट्रैक हेतु गट्टू लगाने के कार्य का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर उन्हें नमन किया गया। गिरीश व्यास का स्वागत राजस्थानी पगड़ी, मोतीमाला, शॉल, श्रीफल, बुके देकर किया गया। इस पावन अवसर पर गिरीश व्यास के हस्ते अहिंसा वाटिका में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट के मंत्री शीतल चंद जैन, समाजसेवी महेंद्र कटारिया, अजय टक्कामोरे, महावीर यूथ क्लब के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश सावलकर, उपाध्यक्ष नितिन नखाते, सचिव प्रशांत मानेकर जैन, अहिंसा वाटी के संरक्षक प्रमोद गुडलक, संयोजक दीपक डी जैन, सुरेश टी जैन, कमल बज, प्रफुल्ल मोदी, अरविंद जैन, प्रदीप सवाने, सिद्धांत नखाते, ओम चौधरी, परवारपुरा महिला परिषद की अनामिका मोदी एवं टीम आदि मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। डीपीएस मिहान बैंड ग्रुप मेलोडी एक्सप्लोरर्स द्वारा एक अद्भुत ड्रम प्रस्तुति रविवार को एक मैराथन रेस के दौरान दी गई। डीपीएस स्कूल के प्रतिभाशाली छात्र छात्रों ने ड्रम वादन की प्रस्तुति से कस्तूरचंद पार्क में मौजूद तमाम शहरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन बच्चों की लयबद्ध प्रस्तुति पर नागरिकों ने तालियां बजाई। मैराथन रेस में भी स्कूल के 40 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। यह बच्चों के लिए एक अद्भुत अनुभव था। एथलीट्स ने मैराथन में 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर श्रेणियों में हिस्सा लिया। पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान कॉलेज बंद थे। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत की गई थी कि इस अवधि के दौरान कुछ कॉलेजों ने उनके प्रोफेसरों को वेतन नहीं दिया है। दरअसल मुख्य आरोप यह है कि इन कॉलेजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वही कॉलेजों में शिकायत करने वाले इन प्रोफेसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इससे विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसरों में नाराजगी है, जिनमें शिकायतकर्ता प्रोफेसरों का भी समावेश है। पीड़ित प्रोफेसरों की ओर से कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद की गई थी। हालांकि चूंकि विश्वविद्यालय ने कार्रवाई नहीं की है, इसलिए माना जा रहा है कि इस मामले में विश्वविद्यालय कॉलेजों का पक्ष ले रही है। विश्वविद्यालय ने वेतन भुगतान न होने के अलावा अन्य शिकायतें मिलने पर प्रबंधन परिषद सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के बजाय कुलपति ने नई समिति बनाकर संबंधित कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उसके बाद कॉलेजों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इतना ही नहीं, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के 6 प्रोफेसरों को निलंबित कर दिया गया है। जोधपुर राजस्थान के डॉक्टर गोवर्धन लाल पारस को सार्थक फाउंडेशन नागपुर द्वारा एस्टियोपैथी उपचार प्रणाली के माध्यम से पुरानी बीमारियों से पीड़ित रोगियों के इलाज में उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सार्थक फाउंडेशन नागपुर द्वारा हिंगना में आयोजित एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुनील केदार के हाथों एवं पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग की उपस्थिति में डॉक्टर गोवर्धन लाल पारस और उनके सहयोगी गण डॉक्टर नंदकिशोर पारस, डॉक्टर मधुसूदन पारस, डॉक्टर श्याम सुंदर पारस, डॉक्टर सौरभ पारस, संजीवनी सोशियो मेडिकल फाउंडेशन ओल्ड एज होम एंड नेचुरोपैथी सेंटर के निदेशक डॉक्टर संजय उगेमुगे को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वनराई के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गांधी, राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजा टाकसांडे, एनसीपी के नागपुर जिला परिषद समूह के नेता दिनेश बंग, सरिता उगेमुगे, डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा, डॉक्टर कमल भुतड़ा, डॉक्टर प्रमोद गांधी, डॉक्टर आशीष अग्रवाल, डॉक्टर दुर्गा बंग, डॉक्टर खरे, डॉक्टर अनुपमा आदि मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन सार्थक फाउंडेशन के महेश बंग, विनोद चतुर्वेदी, सुधीर बाहेती, संजय पालीवाल, अजय मल, विनय तापड़िया ने किया। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है।
बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के नागपुर से शिरडी के लिए पहले चरण की शुरुआत जल्द होने की जानकारी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने दी। उन्होंने यहां आकर समृद्धि महामार्ग के पहले चरण के कार्यों की समीक्षा की, साथ ही ऑटोकार इंडिया मासिक द्वारा आयोजित सुपरकार रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिक कार पर सवारी भी की। शिरडी से नागपुर तक समृद्ध महामार्ग का पहला चरण अब पूरा होने वाला है। टोल प्लाजा के साथ सड़कों के दोनों किनारों पर निर्माण की सुविधाएं प्रगति पर है। इस महामार्ग का कार्य बहुत ही उत्तम हुआ है। पहले चरण का मार्ग बनकर तैयार हो गया है। समृद्धि महामार्ग के जीरो पॉइंट के पास खास रोटरी सर्कल तैयार किया जा रहा है। शिंदे ने रोटरी सर्कल के कार्य की भी समीक्षा की। इसी सर्कल के बीच बाला साहेब ठाकरे का पूर्णाकृति पुतला लगाया जाएगा। फिलहाल इस सर्कल का कार्य प्रगति पर है, जो कि कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा। इस महामार्ग की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। वन्य जीवों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए प्रबंध किया गया है। भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने हाल ही शिवसेना सांसद व प्रवक्ता संजय राउत द्वारा उन पर किए गए वक्तव्य पर पलटवार करते हुए चुनौती दी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्व नागपुर से राउत खुद मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि नागपुर में राज्य सरकार में शामिल तीनों पार्टियों में खुद के भरोसे चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है। बताते चले कि राउत ने रवि भवन में पदाधिकारियों और शिवसेनाओं के साथ संवाद साधते समय पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक खोपड़े पर अनर्गल वक्तव्य दिया था। पलटवार करते हुए खोपड़े ने उन्हें चैलेंज किया है कि वे खुद उनके खिलाफ मैदान में उतर कर दिखाएं। सिटी में शिवसेना एक लाचार पार्टी है, उसकी ये हालत हो गई है कि यहां से एक विधायक मांग रही है। खोपड़े ने कहा कि शिवसेना ही नहीं बल्कि राकापा और कांग्रेस तक को मनपा चुनाव में 156 सीटों पर उतारे के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिले। उम्मीदवारों के जुगाड़ की भी चिंता तीनों पार्टियों के चेहरे पर साफ देखी जा रही है। राज्य की जनता ने तिकड़ी सरकार के भ्रष्टाचार को देखा है। नागपुर सहित विदर्भ के साथ इस सरकार के अन्याय को यहाँ की जनता देख रही है। हाल ही में नागपुर के गोधनी स्थित जगदम्बा नगरी में श्री राम शांति हनुमान मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर भंडारे का आयोजन किया गया, जहां कई भक्तों ने भगवान के दर्शन किए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। श्री राम शांति हनुमान मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के पश्चात कल भंडारे का आयोजन किया गया था। सभी स्थानीय भक्तों ने कार्यक्रम में जमकर हिस्सा लिया और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पूजन में शामिल हुए। 23 मार्च को कलश यात्रा और 24 मार्च व 25 मार्च को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के प्रखर वैदिक विद्वानों के कर कमलों द्वारा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद मंदिर कमेटी ने 25 मार्च को ही भजन संध्या का आयोजन किया था। इस भजन संध्या में मध्य प्रदेश के कटनी से भजन गायकों को निमंत्रण दिया गया, जिन्होंने एक से बढ़कर एक भजन सुनाए और भक्तों को भाव विभोर कर दिया। जगदम्बा नगरी में श्री राम शांति हनुमान मंदिर का निर्माण अध्यक्ष बैजनाथ पाठक, उपाध्यक्ष विजरन पाठक, प्रज्वल जूही पाठक, ऋषि सिंह, पुष्पक, दर्शन, मृणाल उइके, ऋषिकेश सहित अन्य जगदम्बा नगर वासियों और इष्ट मित्रों के सहयोग से पूर्ण हुआ है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से दिव्यांगों और 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत विविध सहायक सामग्री व उपकरणों का वितरण शिविर 22 मार्च से भट्ट सभागृह में शुरू है। गडकरी ने रविवार को शिविर में भेंट देकर लाभार्थी नागरिकों से संवाद साधा और शिविर का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ देवेंद्र फडणवीस, अविनाश ठाकरे भी उपस्थित थे। शिविर को बुजुर्ग नागरिकों व दिव्यांग नागरिकों का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। शिविर की जिम्मेदारी बाला बोरकर संभाल रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों को व दिव्यांगों को उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। लाभार्थियों के पंजीयन के लिए मनपा की ओर से जोन स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मनपा के जोन के अनुसार जांच शिविर में सहभागी न हो सके पात्र लाभार्थियों से 31 मार्च तक भट्ट सभागृह के शिविर में पंजीयन व जांच करवाने की अपील बोरकर ने की है। हाल ही में खुलासा हुआ कि 26 तत्कालीन जिला परिषद सदस्यों ने उन्हें दिए गए टैब अब तक नहीं लौटाए हैं, जबकि उनका कार्यकाल 2.5 वर्ष पहले ही खत्म हो चुका है। आश्चर्य की बात यह है कि 10,40,000 रुपयों के टैब का कब्जा लेने में जिला परिषद प्रशासन भी अब तक असमर्थ रहा है। बताते चले कि कृषि व जल संधारण योजनाओं की जानकारी ग्रामीण भागों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला परिषद के सदस्यों को हाईटेक टैबलेट का वितरण किया गया था। ये वितरण भाजपा की सत्ता के समय जिला परिषद के पदाधिकारियों व सदस्यों को हुआ था। उनका कार्यकाल समाप्त होने पर टैब जिला परिषद प्रशासन को वापस लौटाना था। 58 टैब का वितरण हुआ था और जब कार्यकाल समाप्त हुआ और चुनाव हुए तो सत्ता भी बदल गई। तत्कालीन सदस्यों में से 32 ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए टैब वापस कर दिए, लेकिन 26 तत्कालीन सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने जिला परिषद की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर 2 वर्षों में भी टैब नहीं लौटाए हैं। एक टैब की कीमत 40,000 रुपए के करीब है और 26 टैब की कीमत 10,40,000 रुपए होती है, जो सदस्यों ने नहीं लौटाई है।
दो माह पूर्व राज्य सरकार ने बार, वाइन शॉप एवं अन्य मदों में लाइसेंस शुल्क में बेतहाशा वृद्धि की थी। वृद्धि लगभग 47% तक हो गई थी, जिसके बाद दर वृद्धि का सभी तरफ विरोध शुरू हो गया था। अब राज्य सरकार ने पुनः संशोधित दरें जारी की है, जिसमें वाइन शॉप को तो भारी राहत प्रदान की गई है, लेकिन बार संचालकों को ज्यादा राहत नहीं मिली है। इसमें उनमें निराशा झलक रही है। कंट्री लिकर में भी भारी वृद्धि हुई थी, लेकिन अब उन्हें भी आंशिक राहत प्रदान की गई है। नया लाइसेंस शुल्क 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। पूर्व के नोटिफिकेशन के अनुसार पहले वाइन शॉप को नए लाइसेंस शुल्क के लिए 21 लाख रुपए सालाना का भुगतान करना पड़ रहा था, लेकिन अब उन्हें 16,85,000 रुपए का भुगतान करना होगा। नए आदेश के बाद वाइन शॉप संचालकों को लगभग 5 लाख रुपए की बचत होगी, इसलिए वे काफी खुश भी है। दूसरी ओर बार संचालकों को अब 7,45,000 रुपए का भुगतान लाइसेंस शुल्क के रूप में करना होगा। इसके पूर्व उन्हें 7,97,000 रुपए लाइसेंस शुल्क भरने को कहा गया था। इस बदलाव के बाद भी राज्य भर के बार संचालक खुश नहीं है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,364 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,21,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत दो मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1,440 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 3 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 76,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। नागपुर महानगर पालिका कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड में कर्मचारियों की भर्ती के लिए ली गई ऑनलाइन परीक्षा में संचालक मंडल द्वारा धांधली किए जाने को लेकर परीक्षार्थी राखी स्वामी की ओर से शिकायत दर्ज की गई थी। हालांकि मार्च 2020 में इसे संकीर्ण फौजदारी आवेदन के रूप में अपराध दर्ज किया गया था, किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 तथा 34 के अनुसार इस तरह के अपराध में 2 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान होने के कारण प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी UB पेठे ने इस मामले को नियमित फौजदारी के मामले के रूप में दर्ज करने के आदेश जारी किए। स्वामी की ओर से अधिवक्ता विजय धोटे ने पैरवी की। स्वामी द्वारा की गई शिकायत के अनुसार नागपुर महानगर पालिका कर्मचारी सहकारी बैंक की ओर से 30 पदों के लिए 25 मार्च 2018 को सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। इस परीक्षा में धांधली कर संचालक मंडल के पदाधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया। इस संदर्भ में बैंक के शाखा व्यवस्थापक के पास लिखित शिकायत दर्ज की गई थी। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रबंधक, सहकारी बैंक के पर्यवेक्षक विभाग, मनपा आयुक्त, सहकारी संस्था के उपनिबंधक, पुलिस आयुक्त, कोतवाली पुलिस, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग तथा आर्थिक अपराध विभाग के पास शिकायत दी गई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मुख्यमंत्री समाधान शिविर में भी लिखित शिकायत दी गई थी, किंतु किसी भी विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। OCW ने 29 मार्च को 24 घंटे के लिए मेंटेनेंस कार्य हेतु जलापूर्ति बंद करने का फैसला किया है। इससे आधे शहर में जलापूर्ति बाधित होगी। 10 मनपा जोन में से 5 धंतोली, मंगलवारी, गांधीबाग, सतरंजीपुरा और धर्मपेट जोन में जलापूर्ति बाधित होगी। शटडाउन सुबह 10 बजे से शुरू होगा। मरम्मत कार्यों से निम्नलिखित क्षेत्र प्रभावित होंगे। धर्मपेट जोन में राजभवन एवं सीताबर्डी, धंतोली जोन में रेशमबाग, हनुमान नगर, वंजारी नगर, गांधीबाग जोन में सीताबर्डी किला तथा निकटवर्ती परिसर, सतरंजीपुरा जोन में बस्तरवारी एवं बोरियापुरा, मंगलवारी जोन में सदर, राजनगर और गोधनी गोरेवाड़ा परिसर। अर्थ आवर वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी अभियान है। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें पृथ्वी के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हुए 1 घंटे के लिए रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर आवश्यक बिजली उपकरण बंद कर दिए जाते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह अभियान सर्वप्रथम 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। अर्थ आवर की अवधारणा से प्रेरित होकर नागपुर महानगर पालिका के तत्कालीन महापौर प्रोफेसर अनिल सोले ने ग्रीन विजिल फाउंडेशन के साथ मिलकर 2014 में पूर्णिमा दिवस अभियान शुरू किया था। तब से ये कार्यक्रम प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है, जिसमें नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि रात 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे के लिए गैर जरूरी बिजली के उपकरणों को वे बंद करें। अर्थ आवर अभियान के दौरान इटर्निटी मॉल में लगभग 70% लाइटें बंद कर दी गई और ग्रीन विजिल फाउंडेशन के सदस्यों ने जलवायु संकट, बढ़ते तापमान, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन से निपटने की जरूरतों और तरीकों आदि विषय पर नागरिकों का मार्गदर्शन किया। अभियान के दौरान नागपुर के पूर्व महापौर अनिल सोले व दयाशंकर तिवारी ने पूर्णिमा दिवस अभियान की अवधारणा के बारे में सभा को संबोधित किया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।